जाएंगे नहीं एक दूसरे को छोड़ के। अच्छा सर, एक मेरा सवाल था, मेरा भी, क्या दर्शक बार बार हमारे पास कमेंट करके जानकारी लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना, जब ये उपचुनाव में गठबंधन कामयाब हो गया तो लोकसभा चुनाव में अभी कामयाब क्यों नहीं हो पाया, तो उनको क्या जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए, काल, पात्र और स्थान, ये बहुत मायने रखता है। कब हो रहा है चुनाव, किस लिए हो रहा है, यानी इसका प्रभाव क्या होगा जी, स्थान क्या है और व्यक्ति कौन सा है। काल, पात्र और स्थान। उपचुनाव के समय कुछ गड़बड़ हुई, मैं जानता हूँ। योगी जी जिसको नहीं चाहते थे उसको भाजपा ने, योगी जी को मतलब इग्नोर करते हुए उसको टिकट दे दिया गोरखपुर से। पार्टी में ही होता है, होता है, सारी पार्टियों में होता है। लेकिन योगी जी ने सम्मान किया, लेकिन जो वहाँ का वोटर था, जो महाराज जी का वोटर माना जाता है, वो महाराज जी ही हैं वहाँ, उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, चोट पहुँची। उसने कहा अच्छा हम नहीं देते साथ, नतीजा देख लीजिए, हार गए। ऐसे ही फूलपुर में हुआ, कैराना में डिफरेंट स्थिति थी। लोगों को पता नहीं क्यों, जो पहले सांसद थे उनकी मृत्यु के बाद वो उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में मुद्दे भी डिफरेंट होते हैं, वो माइग्रेशन और तमाम माइग्रेट वगैरह का, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा वहाँ बना दिया गया, और लोग उतने उत्साह में नहीं होते हैं, उस तरह की कैंपेनिंग नहीं होती, तो वहाँ शिथिल भी ये लोग हो गए थे। लेकिन उससे जो इनको क्षति पहुंची, इससे इन्होंने अपने को फिर से संभाला, देखा अरे हम तो कंप्लेसेंट हो रहे हैं, हम तो आलसी हो रहे हैं, हमें फिर से अपने को चुस्त दुरुस्त करना है। फिर इन्होंने स्ट्रेटजी के तहत जो भी कार्य किया, उसका रिजल्ट है कि सपा बसपा के मिलने के बाद भी जी बीजेपी इतना बेहतर कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, बसपा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अलग है, सपा का प्रभाव क्षेत्र अलग है। बसपा का एक बड़ा तबका जो है वो कहता है कि साहब हम तो यादवों के साथ जा ही नहीं सकते, तो वो वोट ट्रांसफर नहीं होता। उसी तरह से यादव एक बड़ा समुदाय है जो कहता है कि नहीं साहब हम उनको क्यों वोट दें, हम तो सपा के वोटर थे, हम उनको क्यों वोट दें, तो वो विकल्प तलाश के उसने कहा नहीं बीजेपी के, वो उधर ना जाके बीजेपी चला गया। तो इसमें क्या होता है, चुनाव में इतना परसेंट यादव, इतना परसेंट दल, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि अब जागरूक वोटर हैं, उनको दिखता है हमको किसके साथ जाना है, क्यों जाना है। लोग क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया, हमसे वोट लिया, अपने तो महल में रहती हैं, हम तो आज भी वैसी हैं। यादवों में भी ये बात है, वो कहते हैं अरे भैया अखिलेश भैया तो इतना बड़ा बना लिए, मुलायम जी का बना लिए, और हम तो वहीं के वहीं रह गए। तो वो वोटर और पढ़ा लिखा वोटर, युवा, वो सब चीज़ों को जज करता है, और वो वोट ट्रांसफ़र कई बार नहीं होता है, ये साफ साफ इसमें दिखा है। जाति जो है वो एक फैक्टर है, लेकिन धीरे धीरे वो टूट रहा है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है और गठबंधन को, जो उन्होंने सोचा था वो नहीं। और वैसे भी गोरखपुर उपचुनाव में बहुत बड़ी हार नहीं हुई थी उपेंद्र तिवारी की, अगर बात करें तो 30-35 हज़ार वोटों से जीते थे, और जहां महंत जी लाखों वोट से 50-60-70 हज़ार या 1-1.5 लाख वोट से जीतते थे, 35 हज़ार का हुआ था, सिर्फ 35 हज़ार का अंतर था। लेकिन उसमें देखें, जैसे इन्होंने बताया कि व्यक्ति कौन सा है, समय कौन सा है, और जो प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं उसमें न तो मोदी गए थे प्रचार में, न तो अमित शाह गए थे, योगी भी नहीं गए थे, और कुछ अंदरूनी घड़ी तो कुछ अंदरूनी कला है। हालांकि उपेंद्र तिवारी जो कोई मामूली आदमी नहीं, संगठन के बड़े आदमी उस क्षेत्र के, और वो व्यापार संघ के भी वहाँ पे जो बीजेपी का चलता है उसके अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और एक बड़ा नाम है उस एरिया में उपेंद्र तिवारी को देखा जाए। लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन से अगर कहें कि प्रवीण सहानी जीते थे तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पार्टी पूरे रूप से लगी होती वहाँ पे, पूरे अपने जोश खरोश से लगी होती, तो रिजल्ट अलग होता, जो कि इसमें दिख रहा है। रवि किशन काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं वहाँ पे, तो वो फैक्टर उपचुनाव में बहुत सीरियसली पार्टियाँ लेती नहीं हैं। उनको लगता है कि हम तो सत्ता में हैं, हमारे पास मार्जिन है, और काफ़ी हम मतलब आगे चल रहे हैं, कोई एक दो चीज़ों से पड़ेगा नहीं, उतना जोश खरोश लगाती नहीं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए काम करता है, दरअसल उपचुनाव में वो फैक्टर नहीं था, वो था मोदी फैक्टर। लोग मोदी को वोट देते हैं, उनका अपना एक मतदाता वर्ग बन चुका है, किसी भी उपचुनाव में मोदी प्रचार करने नहीं जाते, नहीं मोदी को हाईलाइट किया गया, तो वो वोट भी आपका नहीं मिला उस समय। अब जब मोदी जब पहुंचते हैं तो पूरा समीकरण ही बदल जाता है,
लोग कहते हैं उम्मीदवार कौन है पता नहीं, यही सर ये वोट तो किसको दोगे तो मोदी को देंगे, देश के लिए नुकसान नहीं आपको नहीं लगता कि एक देश के जो भविष्य होता है उसके लिए कि आपका जो मतदाता है जब वोट देने जा रहा है तो वो अपने उम्मीदवार को ना देख के बल्कि सीधा ऊपर देख रहा है, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उम्मीदवार काम करेगा नहीं, कई लफंडर उम्मीदवार पिछली बार जीते थे इस बार भी कई बार आगे चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सर ये देश के लिए थोड़ा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, दोनों बातें मैं कर रहा हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, आप उम्मीदवार को वोट देते हैं, बहुत अच्छा उम्मीदवार होता है लेकिन उसका लीडर अच्छा नहीं होता, उम्मीदवार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नीतियाँ लीडर को बनानी है, डिसीजन लीडर को लेना है, तो इसका खामियाजा भुगतता है कि हमने तो बहुत अच्छे उम्मीदवार को वोट दिया लेकिन लीडर जो विजनरी नहीं है, लीडर के पास क्षमता नहीं है, लीडर डिसीजन मेकर नहीं है, तो आपका वोट एक तरह से बेकार चला जाता है। दूसरी तरफ अगर लीडर आपका बहुत अच्छा हो और आपका जो सांसद हो वो बहुत अच्छा ना भी हो तो भी बात बन जाती है, क्यों, आपका लीडर उसकी नकेल कसे रहेगा, आपका लीडर उसको पता है कि लोगों ने मुझे वोट किया है तो वो उनको टाइट करके कहे ये काम कराओ, तुम्हारे फंड से ये काम होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो ये है, तो इसका एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि किसको हमने चुना, जैसा आपने कहा अपराधी भी हो सकता है दागी भी हो सकता है, तो उसका नुकसान तो होता है और इसका फायदा तो हमने आपको बता ही दिया। क्योंकि हमारी टीम देवास में गई थी तो सर देवास में जब हम लोग बागों से बातचीत कर रहे थे उनको सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस नहीं उनको पता ही नहीं था कि उम्मीदवार कौन है, और है तो उनसे मिलने ही नहीं कोई पहुंचा, लोगों में नाराजगी भी थी इस बात की कि भाई हमारे पास कोई आ नहीं रहा है, यही हालात लगभग इंदौर में देखने को मिले थे, इंदौर में बोले कि हम जानते हैं कौन है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है क्योंकि अगले आदमी को पता है कि हम प्रधानमंत्री के लिए वोट देने जा रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है एनडीए का वो फिक्स है, वो तय है कि नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी ने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया कि हाँ हम जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, अंतिम तबके का जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जब आपको पता होती है किसी भी फील्ड में ले लो, आपको पता मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो आपको पता कि हमारी जरूरत की ये सामान उस दुकान पे मिलेगी, तो आप बाकी दुकानों में नहीं जाते हो, सीधे उस दुकान में पहुंच जाते हो, अपनी जरूरत की सामान लेके चले आते हो। तो जब आम आदमी को पता है कि हमारे काम का बंदा नरेंद्र मोदी है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम किसको, हाँ ये जरूर है कि आप अपने बंदे को चुनकर भेजोगे तो ऐसे कई लोग मिलकर तब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अच्छी बात है भारत जैसे देश में, क्यों, क्योंकि जो कोकून बना हुआ है ना जातिवाद का, उसको तोड़ने के लिए इस तरह की चीजें मोदी ना सही, अगली बार किसी पार्टी का ऐसा विजनरी नहीं रहता, कोई और आ जाए, लेकिन ये होना जरूरी है क्योंकि जो कोकून है जातिवाद का उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा से जातिवाद हुआ, तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश को कई साल पीछे ले जाता है, जो कि कांग्रेस जैसी पार्टी सशक्त पार्टी इतने सालों तक 50-55 सालों तक देश पे शासन करती लेकिन गरीबी दूर नहीं हो पाती, घर घर बिजली नहीं पहुंच पाती, लोगों का खाता नहीं खुल पाता, लोगों का मकान नहीं बन पाता, घर में शौचालय नहीं हो पाते, हमारे घर की बहन बेटियां सड़कों पे जाना पड़ता था, दिन डूबने का इंतजार करना पड़ता था, सूर्य निकलने के पहले जाना पड़ता, बहुत बड़ी बात है, और ये सोचना ही, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने भी सोचा लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, एक काम आदमी तक पहुंचा नहीं पाए, तो इस आदमी ने इस बंदे ने उसको पहुंचाया तो लोगों को एहसास होना शुरू हुआ, हाँ ये मेरे काम का बंदा है, तो जब उसको वो काम कर रहा है उसको ध्यान में रख के जब आप वोट कर रहे हो तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, आदमी कोई भी हो जब आप तय कर लिए कि हमारा लीडर यही होगा तो उसको बनाने के लिए फिर आप ये ध्यान नहीं देते हमारे इर्द गिर्द अगल बगल क्या बिक रहा है क्या चल रहा है, आपका जो विजन है आपका जो सोच है आपकी जो दूरदृष्टिता है कि हाँ ये सही काम करेगा उसको आप चुन लेते हो, तो उसमें कोई मतलब गलत नहीं है। लेकिन अगर हम बात दिल्ली की करें, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लीडर कांग्रेस ने उतारे, शीला दीक्षित, जेपी अग्रवाल, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली जो कि पिछली बार बीजेपी में शामिल हो गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो इनकी जो रुझान है सातों सीट बीजेपी को दे रही है, आम आदमी की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो फिलहाल बात करने लायक ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है रुझानों में। नहीं, नहीं, आम आदमी की बात जरूर करेंगे पार्टी की बात उनकी,